तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त जो है मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, और ये रघुवर दास जो है अपनी कार से निकलकर हनुमान मंदिर के अंदर जाते हुए, ये सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, रघुवर दास जो है हिंसा के करीब 5 दिन बाद जो है हनुमान मंदिर को देखने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस हनुमान मंदिर पर हिंसा के दौरान जो 10 तारीख को हिंसा हुई थी उस दिन यहां पर पथराव किया गया था, जिसको देखने के लिए रघुवर दास यहां इस वक्त जो है हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। जैसा कि अभी हमें पंडित जी ने जानकारी दी, ये लोग मंदिर के अंदर अपनी पूजा में मग्न थे। इस मंदिर को चारों ओर से उपद्रवियों लोग ने घेर कर पत्थर बरसाने का काम किया, हमारे पुजारियों को मारने का काम किया, ये किसी भी ढंग से माफ नहीं किया सकता। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उस पर हमला करना निंदनीय और सरकार को अविलंब इसकी जांच करनी चाहिए। जब भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कि जुम्मे के नमाज के बाद कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य और देश में अशांति फैला सकती, तो ऐसे समय में झारखंड में कोई तैयारी नहीं थी। आपने देखा हमारे पुलिस के जवान, सीनियर एसपी से लेकर सिटी एसपी, हमारे पुलिस के जवान पर हमला हुआ, मंदिरों पर हमला हुआ, और एक सिपाही ने रोते हुए, पूरी दुनिया ने देखा कैसे उन्होंने कहा सर फोर्स भेजिए फोर्स भेजिए। ये सरकार की विफलता है। पूर्व उसके एडवाइजरी रिपोर्ट के बाद भी ये जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वोट बैंक के खाते इस राज्य में सांप्रदायिक शक्तियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, और जिस तरह इस पूरी घटना में PLFI पॉलिटिकल विंग, SDPI, और जब हमारी सरकार थी हमने देश का झारखंड पहला राज्य जहाँ हमने इस अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका काम है सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण खराब करना, दंगा कराना, तो ऐसी संस्था को हमारी सरकार ने बैंड की थी। लेकिन ये सरकार आने के बाद ये राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मनोबल बढ़ा, राष्ट्र का सुरक्षा PLFI के जैसे संस्था के कारण खतरा में, और इसलिए जब यहाँ टेरर फंडिंग का मामला आ रहा, सहारनपुर से उपद्रवी तत्व यहाँ आए थे, तो ये राज्य सरकार के जांच के बूते का विषय नहीं है। इसको इसलिए झारखंड के 3.25 करोड़ जनता मानती है ANI। साथ साथ मैं झारखंड के समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूँ कि ये सांप्रदायिक शक्तियों का जो मंसूबा है कि झारखंड में आपसी भाईचारा समाप्त करना, इसको हमें विफल करना, और खासकर मुस्लिम समाज के भाइयों से अपील करता हूँ कि आप आगे आकर ये जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो झारखंड में सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण खराब करना चाहता, उपद्रवी कोई जाति धर्म का नहीं होता, उसका काम रहता है उपद्रव, तो उपद्रवियों को कोई समाज को समर्थन नहीं करता। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।